24 न्यूज इन इंडिया के लिए बुरिनपुर से मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट। बिजनौर राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मांगों को लेकर कलेक्टरेट ऑफिस पर प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमार पाशा का कहना है कि विकलांग काफी समय से कलेक्टरेट परिसर में धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर करते चले आए हैं, लेकिन आज तक जिला प्रशासन द्वारा विकलांगों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, जिसे विकलांग अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। विकलांग सर्टिफिकेट न बनने के कारण विकलांगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही विकलांग काफी समय से पेंशन की मांग कर रहा है, जिसे पूरा नहीं किया जा रहा है। यात्रा करने पर बस चालक और परिचालक द्वारा लगातार विकलांगों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, जिसकी विकलांगों द्वारा शिकायत करने के बावजूद आज तक बस चालक और परिचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एमआर पाशा नाम है, राष्ट्रीय विकलांग पाशा जी, आज आपने धरना प्रदर्शन किया है, क्या है गुरु? देखिए, हम जो संगठन चलाते हैं, अपने दिव्यांग लोगों के लिए चलाते हैं, इनके हकों की जो लड़ाई होती है इनके लिए चलाते हैं। हम काफ़ी दिनों से दिव्यांगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। बड़ी विडम्बना है कि प्रशासन किसी और ध्यान नहीं दे रहा। दिव्यांगों की बहुत सारी समस्या है, उनका आवास नहीं।